क्या आप अकेले रह रहे के तंग आ गए हैं? क्या आपको भी आपका जीवन साथी नहीं मिल रहा है? क्या आपको लड़की आपके लुक्स के वजह से रिजेक्ट कर देती है? अरे हाँ भाई, तो घबराइए नहीं, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस समस्या का उपाय। आप लूले हो, लंगड़े हो, काले हो, मोटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर वाला आप पे मेहरबान है। उसने आपके लिए भेज दिए कुछ ऐसे रिश्ते जो आपको रातों रात अमीर बना देंगे, बहुत अमीर। बस बदले में आपसे चाहिए थोड़ा प्यार, थोड़ी केयर। तो अपने सलवार का नाड़ा थाम लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये रहा आपका पहला रिश्ता। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन शादी करना चाहता है। तो फिर पापा कैंसर के मरीज है। अच्छा, बहुत ही गरीब परिवार से। ऐसा गोरे काले से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लंगड़ाओ कैसा भी हो, बस बस मुझे प्यार करे, मेरे को मेरी इज्जत करे, दो टाइम की रोटी दे दे, और मैं कुछ नहीं चाहती। अब आपको लग रहा होगा लड़की तो सुंदर है लेकिन गरीब है, और आप अमीर होते तो सिंगल थोड़ी ना होते। तो घबराइए नहीं दोस्तों, मेरे पास आपके लिए अमीर लड़कियों के रिश्ते, ये देखिए। लड़का चाहे कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, मुझसे उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, बस मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रखने वाला होना चाहिए। जो भी अच्छा लड़का होगा उसको मैं, ये मेरी कोई बिल्डिंग है 3.5 करोड़ की बिल्डिंग है, ये 3.5 करोड़ की बिल्डिंग में उसके नाम कर दूंगा, 30 लाख रुपए कैश दूंगा और 50 लाख की FD है। शादी में जो खर्चा होगा वो सब मेरा होगा। उसको ये iPhone 13 Max मिलेगा। ये तो ठीक रहेगा, 3.5 करोड़ की बिल्डिंग के साथ में iPhone 13 Max प्रो, अब तो मंजूर होगा रिश्ता। क्या लालच और बढ़ रहा है? चलो कोई नहीं, मेरे पास आपके लिए और रिश्ते हैं, वो देख लो। लड़का मुझसे शादी करना चाहता है, प्लीज अपना नाम मेंशन कर दे, पर्सनली मैं उसे कॉन्टेक्ट करूंगी। सर फ्लैट चाहिए, पैसे चाहिए, कुछ भी चाहिए, बस मेरे साथ रहे। पैसा बेटा, पैसे जो वो मांगेगा ना मैं उसको दूंगा। देखो ये ना कि पैसा देखिए, गाड़ियां देखिए और आ जाए। जो भी लड़का मेरी बेटी से शादी करेगा उसे मैं अपनी ये 2 करोड़ की हवेली और अपना क्लिनिक और 25 लाख की जो FD है वो उसके नाम पे कर दूंगा। नहीं, इनमें से भी कोई पसंद नहीं आया? एक काम करो, फेसबुक खोलो, वहाँ ऐसे दुनिया भर के रिश्ते पड़े हैं, उनमें से कोई भी जाके उठा लो। इन लोगों ने व्यूज के लिए ऐसे ऐसे स्कैम चला रखे हैं। अरे भाई, अगर तुम पे इतना पैसा है तो बच्चे के लिए एक नैनी रखो और बच्चा खुद ही पाल लो, इन सब बसर से दूर रहो। अपनी मर्जी के लड़के से शादी की थी, वो मुझे लड़का छोड़ के भाग गया। ओहो, बेचारी के साथ तो धोखा हुआ है। तो इसने सोचा होगा क्यों ना जवान और सिंगल लौंडों की भावनाओं के साथ खेला जाए, क्योंकि इनको पता है इंडिया में बेरोजगार और सिंगल तो बहुत है। एक वीडियो बना के डालो। पैसा ही पैसा हो गया। और सच में सिंगल लौंडे इतने हैं कि वो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भी शेयर कर रहे हैं विद फोटोग्राफ। इस बंदे को देखो, बातें तो करोड़ों की कर रहा है और खुद सकल से चोर लग रहा है। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों। और जो भी मेरी इस बच्चे से शादी करेगा वो मेरी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी जो भी है सब उसके नाम करूं। आपने इस बंदे को देखा जो डॉक्टर था? देखा, पूरा देखा। बट ठीक से नहीं देखा तुमने, दोबारा देखो। जो भी मेरी इस बहन से शादी करेगा उसे मैं संपत्ति में और ये दहेज में 5 करोड़ की। भाई ये पुलिस वाला है, वो भी सस्ता। इससे शर्ट मांगी जो की टाइट हो गई, इससे जूते मांगे तो भाई ने लोफर पकड़ा दिए, और बेल्ट मिली नहीं तो शर्ट बाहर निकाल दी। भाई ये मिल बहन जो सारे मिल के हमको पागल बना रहे, मादर चोत के बच्चे। अगर सारे बच्चे बाथरूम में ना बहा दिए हों तो आपके लिए एक डील लाया हूँ जो आपको माला माल बना देगी। तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही उसने मुझे 1 साल में बच्चा देना है, और मैं उसके अपने अपनी सारी प्रॉपर्टी, FD, बैंक बैलेंस, अपना घर, सब कुछ करके जाऊंगी। देखो 1 साल में इसको बच्चा देना है, उसके बाद ये अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर देगी। बताओ मिलेगी कहीं ऐसी जॉब जहाँ 1 साल मजे के मजे और पैसे के पैसा। बॉय, और चूतिया पे की हदें तो देखो, मतलब बंदी को करोड़पति बनाया है तो कम से कम कैफे में ही मिलने बुलवा लेते, और तमीज से अपनी बातें समझाती तो लगता भी कि थोड़ा रियल है। लेकिन नहीं, जंगल में बुलाएंगे और चीख चीख के सबको बताएंगे। भाई तुम्हें पता झाड़ियों में कौन बुलाता है? तो किसने रोका है? कुछ करने से किसने रोका? देख भाई, इसको तो सब जानते होंगे, है ना, है ना, है ना। और फर्जीवाड़े की हद तो तब हो गई जब औरों के व्यू आते देख इन्होंने सोचा क्यों ना एक वीडियो हम भी ऐसा बनाएं। साहब अगर अगर कोई शादी कर ले, जैसा भी मिलेगा मैं शादी कर लूंगी साहब। तो इन्होंने लड़की को बनाना था गरीब, तो मम्मी से साड़ी मांग के लिए आई, ब्लाउज आ नहीं रहा था तो अंदर से अपना क्रॉप टॉप पहन लिया, वो भी डिजाइनर वाला। इनको लगा होगा किसी को क्या ही पता चलेगा, निर्लज कपटी पाखंडी। अरे भगवान से डरो, शर्म करो। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। रहमत का फरिश्ते बन के आए। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये देखो, रहमत के फरिश्ते बन के आए अपने चैनल पे व्यूज बढ़ाने को। और जिन चूते को लग रहा है
कि लड़की मिलेगी और साथ में पैसा भी, और इस उम्मीद के साथ कमेंट बॉक्स पे अपना नंबर शेयर कर रहे हैं, तो उनको बता दूं तुम्हें लव मिलेगा। और वीडियो कॉल करके उधर से कोई अश्लील क्लिप चला देंगे और तुम्हारा स्क्रीन रिकॉर्ड करके तुम्ही को ब्लैकमेल करेंगे और तुम्ही से पैसा खाएंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। भरोसा ही तो उठ गया है सोशल मीडिया पे सारी बकचोदियां देख देख के। सोशल मीडिया बनाया गया था ताकि कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, अपने रिश्तेदार दोस्तों से टच में रह सकें, लेकिन इन चूतियों ने इसे लैटिन ना दिया है। जब मर्जी तब हक के चले जाते हैं, क्योंकि लोग व्यूज के लिए कुछ भी शेयर कर रहे हैं, फर्जी खबरें, फिर चाहे उससे नफरत फैले या दंगे, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और किसी भी फालतू चीज़ को रातों रात ट्रेंड बना देते हैं। चलो ये सब फिर भी समझ आता है, लेकिन किसी का MMS जब लीक हो जाता है, उसे रातों रात वायरल कर देना, कुछ व्यूज के लिए उसके मीम्स बना देना, कहाँ तक ठीक है? अगर आप चाहो तो ये सब रोक सकते हो, उसे आगे शेयर ना करके उस चेन को वहीं तोड़ दो। बात तो सही है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मेरी बातों से एग्री करते हो तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो कर दो भाई सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगले वीडियो में।